everyone, this is Nidhi Dhruv. I'm back again with a short video for current affairs today. Today, 8th of July, and all the important news you need to write down and note down is here. First important news, जिससे पूरा front page आज भरा हुआ था, a big reshuffle in the cabinet of Modi government. In midway of second term of Modi government, बहुत बड़े changes लाए हैं cabinet में Modi government ने. 43 new ministers have been appointed. उसमें से 36 of them are new faces and 7 of them are promoted. पहले के ministers को promote किया है better positions पे. 12 ministers are dropped. उसमें से 7 cabinet union ministers थे and 5 जो थे यू minister of states थे. All the ministers got which portfolio? सारे 43 ministers के portfolios आपको जानना है. इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. डेफिनेटली आई नो 2021 एस्पिरेंट्स आपकी एग्जाम्स जस्ट आने वाली है, इसमें आपको काफी काम लगेगा ये. इवन 2022 एस्पिरेंट्स आपके लिए भी काम का होगा ये. तो गो टू माई मॉर्निंग्स न्यूज पेपर एनालिसिस सेशन एंड लर्न अबाउट ऑल दी न्यू पोर्टफोलियोज ऑफ न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स. सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज, द लेजेंड दिलीप कुमार पास्ड अवे. This is also one of the very important obituary of the year, which you need to remember for your exams. Third important news आज के दिन है, Delhi got its first genome sequencing lab. इसका मतलब है कि COVID-19 के जितने भी variants हैं, इसे test की कर सकते हैं, इसे जान सकते हैं ये laboratory में. तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा benefit हुआ है, बहुत बड़ा advancement आया है, जो आपको याद रखना है. Fourth important news, the president of Haiti has been assassinated and उनकी जो first lady मतलब उनकी जो wife है उनको भी injury हुई है ये assassination के दरमियान. तो this is a very very important news, आपको ध्यान में रखनी है. Fifth important news is Trump, the previous president, the former president of USA, जिनको ban किया था Facebook, Twitter और Google ने, Trump ने उनके खिलाफ lawsuit file किया है फॉर रॉन्गफुल सेंसरशिप, के रॉन्गफुली हमें मुझे सेंसरशिप मेरे पे किया है, मुझे बैन किया है, इसके लिए उन्होंने फेसबुक, ट्विटर और गूगल पे केस कर दिया है, लॉ सूट कर दिया है. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज अफगानिस्तान में बहुत सीरियस सिचुएशन चल रही है, कल भी हमने इसकी न्यूज देखी थी. अभी तालिबानीज ने जो प्रोविंशियल टेरिटरी है ऑफ अफगानिस्तान उसके ऊपर अटैक कर दिया है. धीरे धीरे इस तरीके से अगर अटैक्स चलते गए तो ये दिन दूर नहीं होगा जब ही तालिबान पूरा अफगानिस्तान कैप्चर कर लेगा एंड देयर विल बी कोलैप्स ऑफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट, जिसके बारे में मैंने आज के एडिटोरियल में भी पढ़ाया है. तो ये आज का एडिटोरियल जो तालिबानीज वाला है ये भी आपको पढ़ना चाहिए. मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन जो मेरा मॉर्निंग में होता है उसमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको समझाया है ये एडिटोरियल. Do watch it, okay? And the last important news, ICC men's test championship जीत चुके हैं न्यूजीलैंड. ये याद रखना है आपको, ये ध्यान में रखने वाला न्यूज है. Alright? So ये थे 7 important news of today, current affairs today. Please note down, आपके लिए नोट्स बनाने के लिए और रिविजन करने के लिए ये न्यूज और ये शॉर्ट वीडियो मेरा बहुत हेल्प करेगा. इसके अलावा आपको बताना चाहूंगी, अन एकेडमी अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए गाइस यूजिंग द कोड नीधि लाइफ. सब्सक्रिप्शन लीजिए, पूरा सिलेबस अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कीजिए. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी मेरा कोड याद